नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन योर ईवीएस क्लास। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड एंड आई होप यू हैव डन योर होमवर्क इन योर रिवीजन शीट, राइट, विच वाज चैप्टर नंबर 5, ओके, बोन्स एंड मसल्स। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 6, फूड फॉर हेल्थ, राइट। So let's start. First question is, choose the correct option, right? We have to choose one correct option from here. A potato is A/N, मतलब कि potato जो है वो क्या है? A protective food, bodybuilding food, energy giving food, none of this, मतलब कि हमारे बीमार होने से बचाता है, प्रोटेक्टिव फूड है, हमारे बॉडी को बिल्ड करता है, बॉडी बिल्डिंग फूड है, या हमारे बॉडी को एनर्जी देता है, एनर्जी गिविंग फूड है, none of this, मतलब इसमें से कुछ भी नहीं है। यस, तो करेक्ट आंसर इज एनर्जी गिविंग फूड, राइट। पोटैटो जो है वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। मेनली देर आर 3 फूड ग्रुप्स, हमारी कितने फूड ग्रुप्स हैं? 3। लेट मी शो यू द माइंड मैप। दिस इज द माइंड मैप, राइट। यू हैव टू ड्रॉ योर दिस माइंड मैप इन योर नोटबुक, राइट। पहले आप चैप्टर का नाम लिखोगे, चैप्टर नंबर 6, राइट, फूड फॉर हेल्थ, देन माइंड मैप। फूड ग्रुप्स मतलब फूड के कितने ग्रुप्स होते हैं वो, फर्स्ट वन इज एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड। वॉट आर एनर्जी गिविंग फूड? जो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, जस्ट लाइक वीट, राइट, पोटैटो, दीज आर द फूड विच गिव्स एनर्जी टू अवर बॉडी। नेक्स्ट इज बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी कि जो हमारी बॉडी को अच्छे से ग्रो करने में हेल्प करता है, बिल्ड करने में हेल्प करता है, हमारे मसल्स को स्ट्रांग करता है, बोन्स को स्ट्रांग करता है। तो ऐसा कौन कौन सा फूड होता है? यस, मिल्क, चिकन, राइट, दिस आर द फूड विच हेल्प अस इन बॉडी बिल्डिंग। नाउ नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिव फूड। वॉट आर प्रोटेक्टिव फूड्स? जो हमारे बीमार होने से बचाते हैं, उसे हम कहते हैं प्रोटेक्टिव फूड। तो दे आर मेनली 3 फूड ग्रुप्स, एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग एंड प्रोटेक्टिव फूड। एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटेक्टिव फूड्स आर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सो स्टूडेंट्स, हमें जो है वो सारे फूड ग्रुप में से सब वेराइटी का फूड जो है वो खाना चाहिए, राइट, जो हमारी बॉडी को फिट और हेल्दी रखे। सो दिस इज अ माइंड मैप ऑफ फूड ग्रुप्स विच यू हैव टू ड्रॉ इन योर नोटबुक। नाउ कम टू द वर्कशीट। दिस मेक्स अवर बोन्स एंड टीथ स्ट्रांग। दिस मेक्स अवर बोन्स एंड teeth strong. A fish, B eggs, C rice, D milk. हमारे जो है bones को और teeth को कौन strong करता है? Yes, correct answer is milk, because milk is rich in calcium. Milk में जो है बहुत ज़्यादा calcium होता है, जो हमारे bones के लिए और हमारे teeth के लिए बहुत ही ज़्यादा helpful होता है. तो we should drink milk every day. Next one. Fruits and vegetables are protective foods, body building foods, energy giving foods, none of this. Fruits और vegetables से हमें क्या मिलता है, right? उस अगर हम उसे खाते हैं तो हमें क्या helpful होता है प्रोटेक्टिव फूड, वो हमें टिक करना है। तो vegetables and fruits are प्रोटेक्टिव फूड, वो हमें बीमार होने से बचाते हैं। तो करेक्ट आंसर इज प्रोटेक्टिव फूड्स। नेक्स्ट वन, विच इज़ अवर फर्स्ट मील ऑफ द डे। सी स्टूडेंट्स, देर आर 3 मील्स इन अ डे, राइट। हम दिन में 3 मील्स खाते हैं, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, आफ्टरनून में लंच एंड नाइट में हम डिनर लेते हैं। दीज आर द मेन 3 मील्स इन अ डे। तो हमारा फर्स्ट मील कौन सा हुआ? ए लंच, बी ब्रेकफास्ट, सी डिनर
या इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दिस। तो फर्स्ट मील जो हमारा होता है वो होता है ब्रेकफास्ट, तो पुट अ टिक ऑन ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट वन, विच इज द सेकेंड मील ऑफ द डे, विच इज द सेकेंड मील ऑफ द डे, हमारा दिन का दूसरा मील कौन सा होता है? ए लंच, बी ब्रेकफास्ट, डी डिनर, या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। तो मॉर्निंग में हम ब्रेकफास्ट हो गया, आफ्टरनून में क्या लेंगे? लंच। तो लंच जो है वो हमारा सेकेंड मील ऑफ द डे है, तो करेक्ट आंसर इज लंच, पुट अ टिक ऑन लंच। नेक्स्ट वन, बी क्वेश्चन, राइट ट्रू फॉर द ट्रू स्टेटमेंट एंड फॉल्स फॉर द फॉल्स वन, राइट ट्रू फॉर द ट्रू स्टेटमेंट एंड फॉल्स फॉर द फॉल्स वन। जो ट्रू है उसके हाँ सामने में ट्रू लिखना है, और जो फॉल्स है उसके सामने हमें फॉल्स लिखना है। ओके, सो फर्स्ट वन, टू रिमेन हेल्दी वी शुड ईट अ वेराइटी ऑफ फूड्स, टू रिमेन हेल्दी वी शुड ईट अ वेराइटी ऑफ फूड्स, इट मीन्स हमें हेल्दी रहने के लिए वेराइटी ऑफ फूड्स खाना चाहिए। इज इट करेक्ट? यस इट इज करेक्ट, टू राइट अ ट्रू ओवर हियर। अगर हम सिर्फ एक ही टाइप का खाना खाएंगे तो इट इज़ नॉट गुड, हमें जो है वो सब तरीके का खाना खाना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स, अदर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, राइट, मिल्क, हमें जो है वो हर एक वेराइटी का, हर एक फूड ग्रुप में से खाना खाना चाहिए। नेक्स्ट इज, फिश इज एन एनर्जी गिविंग फूड, फिश इज एन एनर्जी गिविंग फूड, फिश खाने से हमें एनर्जी मिलती है, इज इट करेक्ट? नो, दिस इज फॉल्स वन, फिश इज अ बॉडी बिल्डिंग फूड, हमें अगर बॉडी को अच्छा रखना है तो हमें फिश खाना चाहिए, तो दिस इज फॉल्स, राइट अ फॉल्स ओवर हियर। नेक्स्ट इज, वी शुड ड्रिंक 2-3 glasses ऑफ वाटर डेली, वी शुड ड्रिंक 2-3 glasses ऑफ वाटर डेली, हमें जो है वो डेली 2 या 3 glasses ही वाटर पीना चाहिए, इज इट करेक्ट? नो, हमें जो है वो जितना प्यास लगे उतना पानी पीना चाहिए, राइट, मैक्सिमम 8-10 glasses ऑफ वाटर हमें जो है पूरे दिन में पीना चाहिए, राइट? तो राइट हियर फॉल्स। नेक्स्ट इज, पटेटो चिप्स इज अ हेल्दी फूड, पटेटो चिप्स इज अ हेल्दी फूड, पटेटो चिप्स जो है वो हेल्दी फूड में आता है, इज इट करेक्ट? नो, दिस इज फॉल्स, तो राइट हियर फॉल्स, पटेटो चिप्स जो है वो अनहेल्दी होता है। नेक्स्ट, वी शुड ईट केक्स फॉर लंच, वी शुड ईट केक्स फॉर लंच, हमें जो है लंच में केक ही खाना चाहिए, इज इट करेक्ट? नो, तो राइट हियर फॉल्स, FALSE फॉल्स, हमें जो केक है वो ओकेशनली, यानी कि किसी का बर्थडे हुआ या हमारा बर्थडे हुआ तभी हमें सिर्फ केक खाना चाहिए, अगर रोज़ हम लंच में केक खाएंगे तो वो हमारे लिए हेल्दी नहीं है। लंच में हमें क्या खाना चाहिए? दाल, रोटी, सब्जी, राइस, राइट, ये सब चीज़ें हमें लंच में खाना चाहिए। नाउ लुक एट द C1, मैच द फॉलोइंग्स, मैच द फॉलोइंग्स, हमें जो है वो करेक्ट ऑप्शन पे मैच करना है। फर्स्ट वन इज हेल्दी फूड, इनमें से हेल्दी फूड से क्या फ़ायदा मिलता है हमें? गिव अस एनर्जी, वो हमें क्या देता है? एनर्जी देता है, तो राइट अ वन ऑन इन द फ्रंट ऑफ थर्ड, गिव अस एनर्जी, यहाँ पे फर्स्ट फर्स्ट के सामने आप 3 लिखोगे, राइट। नेक्स्ट इज वीट, वीट से क्या होता है? हमें एनर्जी मिलती है, वीट इज अ एनर्जी गिविंग फूड, तो सेकंड के सामने आप लिखोगे 1, राइट, एनर्जी गिविंग फूड। मीट, मीट से क्या मिलता है हमें? इट्स अ बॉडी बिल्डिंग फूड, मीट इज अ बॉडी बिल्डिंग फूड, तो थर्ड के सामने आप लिखोगे 5th, इट इज अ बॉडी बिल्डिंग फूड। नेक्स्ट, फूड्स दैट प्रिवेंट अस फ्रॉम फॉलिंग इल, ऐसा खाना जो हमें बीमार होने से बचाए वो कौन से फूड ग्रुप में आता है वो हमें बताना है, तो इट इज अ प्रोटेक्टिव फूड, प्रोटेक्टिव फूड, जो खाना हमें बीमार होने से बचाए उसे हम कहते हैं प्रोटेक्टिव फूड, तो 4 के सामने आप लिखोगे 2nd।
द वॉटर वी ड्रिंक, जो पानी हम पीते हैं वो कैसा होना चाहिए, क्लीन एंड फिट, क्लीन एंड फिट। तो फिफ्थ के सामने आप लिखोगे फोर्थ वन, राइट। जो पानी हम पीते हैं वो हमेशा साफ होना चाहिए और हमें पीने लायक होना चाहिए, राइट। सो दिस इज द आंसर्स, आई रिपीट द आंसर, फर्स्ट का है थर्ड वन, सेकेंड का है फर्स्ट वन, थर्ड का है फिफ्थ वन, फोर्थ का है सेकेंड वन एंड फिफ्थ का है फोर्थ वन। नाउ टर्न योर पेज, गिव टू एग्जाम्पल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, गिव टू एग्जाम्पल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें जो है यहाँ के दो दो एग्जाम्पल्स देने हैं। फर्स्ट वन इज फूड ग्रुप्स, हमें दो फूड ग्रुप्स के एग्जाम्पल्स लिखने हैं। तो फर्स्ट वन इज एनर्जी गिविंग, राइट, यहाँ पे लिखना है एनर्जी गिविंग, एनर्जी गिविंग फूड एंड बॉडी बिल्डिंग फूड। ओके, एनर्जी गिविंग फूड एंड बॉडी बिल्डिंग फूड आर एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट फूड ग्रुप्स। सेकेंड वन, फूड्स दैट कैन बी ईटन फॉर लंच, ऐसा खाना जो हम लंच में खा सकते हैं। तो कौन सा खाना हम लंच में खाते हैं, राइस एंड दाल, राइस दाल। आई होप यू ऑल हैव नोटेड द आंसर्स। नाउ शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस, लुक एट द शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस। फर्स्ट वन इज व्हाट आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स, व्हाट आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स, बॉडी बिल्डिंग फूड्स कौन से होते हैं या फिर क्या होते हैं, राइट। तो आंसर इज फूड दैट मेक अवर मसल्स एंड बोन्स स्ट्रांग, फूड दैट मेक अवर मसल्स एंड बोन्स स्ट्रांग एंड हेल्प अस टू ग्रो आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। ऐसा खाना जो हमारे मसल्स और बोन्स को स्ट्रांग करे और हमें ग्रो होने में हेल्प करे, ऐसे खाने को हम कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, What are protective foods? What are protective foods? Protective foods क्या होते हैं? तो food that prevent us from falling ill are called protective foods. Foods that prevent us from falling ill are called protective foods. ऐसा खाना जो बीमार होने से हमें बचाए उसे हम कहते हैं protective foods. Now question number 3. Give three examples of unhealthy foods. Give three examples of unhealthy foods. यहाँ पे हमें unhealthy food के three examples लिखने हैं, right? आप अपनी choice के भी लिख सकते हो और जो मैं लिखवा रही हूँ वो भी आप लिख सकते हो. First one is cakes. Cake जो है वो unhealthy food होता है, उसमें बहुत ज़्यादा sugar होती है और बहुत ज़्यादा sugar जो है वो हमारी body के लिए अच्छा नहीं होता. Potato chips. Potato chips जो है that are also अनहेल्दी फूड, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल लगता है, राइट, और ऑयल बहुत ज़्यादा खाना हमारे लिए हेल्दी नहीं होता. कोलास, कोलास में भी बहुत ज़्यादा शुगर होता है, राइट, तो वो हमें नहीं खाना पीना चाहिए. सो केक्स, पोटैटो चिप्स एंड कोलास आर एग्जांपल्स ऑफ अनहेल्दी फूड. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ अनहेल्दी फूड्स. नाउ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, Why do we need to drink water? How much water should we drink daily? Why do we need to drink water? How much water should we drink daily? हमें पानी पीना क्यों ज़रूरी होता है, right? और हमें दिन में कितना पानी पीना चाहिए, that you have to write here. So your answer is, we need to drink water because हमें पानी पीना चाहिए क्योंकि इट हेल्प्स द बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली, वो हमारी जो बॉडी को है वो प्रॉपरली काम करने में हेल्प करता है. वी शुड ड्रिंक एडुकेट अमाउंट ऑफ वाटर एवरी डे. एडुकेट मतलब जितनी आपको प्यास लगे उतना पानी आपको पीना ही चाहिए, राइट. सो योर आंसर इज वी नीड टू ड्रिंक वाटर बिकॉज इट हेल्प्स द बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली. We should drink adequate amount of water every day. हमें जो है वो एक सही मात्रा में जो है पानी को
पीना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, नेम द डिफरेंट मील्स वी हैव इन अ डे। नेम द डिफरेंट मील्स वी हैव इन अ डे। हमें जो है डिफरेंट मील्स जो हमारे दिन में होते हैं उनके बारे में लिखना है। तो दे आर टोटली थ्री मील्स। हम जो दिन में बेसिकली तीन मील्स लेते हैं। विच आर दे? ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। तो आंसर इज ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर आर द डिफरेंट मील्स वी हैव इन अ डे, राइट। ब्रेकफास्ट हम मॉर्निंग में लेते हैं, दिस इज द फर्स्ट मील ऑफ द डे। लंच हम आफ्टरनून में लेते हैं, दिस इज द सेकेंड मील ऑफ द डे। एंड डिनर वी टेक इन नाइट, दिस इज द थर्ड मील ऑफ द डे। सो स्टूडेंट्स, नाउ आई विल शो यू द माइंड मैप। दैट माइंड मैप यू हैव टू ड्रॉ इन योर नोटबुक। दिस इज द माइंड मैप ऑफ गुड फूड हैबिट्स। गुड फूड हैबिट्स, आप क्या करोगे, अपने नोटबुक में चैप्टर का नाम लिखोगे, फूड फॉर हेल्थ एंड माइंड मैप, राइट। तो कौन कौन सी हमारी गुड फूड हैबिट्स होनी चाहिए, राइट। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड ड्रॉ दिस माइंड मैप इन योर नोटबुक। तो फर्स्ट वन इज वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग। अपने जो है वो हाथ धोने चाहिए खाना खाने से पहले और बाद में, दिस इज योर फर्स्ट वन। नेक्स्ट, चीव अवर फूड वेल। हमें जो है वो खाना एकदम अच्छी तरह से चबा के खाना चाहिए, दिस इज अवर सेकेंड वन। नेक्स्ट इज ऑलवेज ईट फ्रेश फूड। हमें जो है वो हमेशा फ्रेश फूड खाना चाहिए, बहुत दिन का बासी खाना जो हमें नहीं खाना चाहिए, तो दिस इज अवर थर्ड गुड हैबिट। नेक्स्ट इज डू नॉट वेस्ट फूड। ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा याद रखने लायक है। हमें जो है वो खाना कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जिनको खाना मिलता भी नहीं है, तो हमें हमेशा उतना ही खाना खाना लेना चाहिए जितना कि हमें भूख हो। तो डू नॉट वेस्ट फूड, दिस इज अवर फोर्थ वन। फिफ्थ वन, डू नॉट ईट अनकवर्ड फूड। हमें जो है वो खुला खाना कभी भी नहीं खाना चाहिए जो कभी भी कवर ना किया हो, राइट। हमें ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए जो कवर ना किया हो, हमें जो हमेशा ढका हुआ खाना खाना चाहिए। डू नॉट ईट अनकवर्ड फूड, दिस इज योर फिफ्थ वन। नाउ नेक्स्ट वन, ड्रिंक प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर। हमें जो है वो हमेशा वाटर को एक सही मात्रा में पीना चाहिए, जितना आपको प्यास लगा हो उतना ही पानी आपको पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो पानी जो है वो हमारी बॉडी को प्रॉपरली फंक्शन करने में हेल्प करता है, प्रॉपरली वर्क करने में हेल्प करता है, राइट। जो हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट करने में भी वो वाटर जो है वो हेल्प करता है, तो हमें एक प्रॉपर अमाउंट में वाटर को पीना चाहिए, दिस इज अवर सिक्स्थ वन फूड गुड हैबिट। तो दिस इज द माइंड मैप, आई हैव शोन यू टू माइंड मैप्स, राइट। तो दिस टू माइंड मैप्स यू हैव टू ड्रॉ इन योर EVS नोटबुक, मेंशन द चैप्टर नेम एंड डेट ऑल्सो। दिस इज द सेकेंड माइंड मैप, फूड ग्रुप्स, राइट, एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड। सो दिस इज द रिविजन ऑफ चैप्टर नंबर 6। आई होप यू ऑल द इन योर वर्कशीट एज वेल इन योर EVS नोटबुक। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द रिविजन ऑफ चैप्टर नंबर 7, विच इज द चैप्टर नंबर 7, हाउसिंग एंड क्लोदिंग। सो आई होप यू एंजॉय द वीडियो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।